हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों चाइनीज वेपन से सब पीछा छुड़ा रहे हैं। चाइनीज सामानों के बारे में इंडिया में एक स्लोगन काफी पॉपुलर है कि चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक, और ये सच भी है। चीन में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सस्ते तो होते हैं पर सस्टेनेबल नहीं होते, और यही रीजन होता है कि अक्सर ये प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। अगर आप भी शॉप जाते हैं और आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो आप जरूर चेक करते हो कि ये प्रोडक्ट मेड इन चीन तो नहीं है। पर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की ये प्रॉब्लम सिर्फ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स और गैजेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। चीन में बने मिसाइल्स, एयर जेट्स भी ऐसे ही होते हैं, और शायद यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट्स लेने से हिचकिचाती है। अभी हाल ही में इंडिया ने एलोन मस्क से डील भी इसी वजह से कैंसिल कर दी थी, क्योंकि वो चीन में मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक कार्स नहीं खरीदना चाहती थी। और हाल ही में हुए एक इंसिडेंट ने फिर से ये प्रूफ कर दिया कि चाइनीज प्रोडक्ट्स ट्रस्टवर्दी नहीं है। हुआ ये कि चीन से इंपोर्टेड पाकिस्तान नेवी के फ्रिगेट जरूरत के वक्त चले ही नहीं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के बहुत से देश इन्हीं रीजंस की वजह से चीन से मिलिट्री वेपन्स के इंपोर्ट से कतराते हैं। पर पाकिस्तान उन देशों में से है जो क्वालिटी इश्यूज के बावजूद चीन से वेपन्स इंपोर्ट करता है। हाल ही में इंडिया के रेफल एयरक्राफ्ट एक्विजिशन के जवाब में पाकिस्तान ने चीन में बने हुए 25J-10C फाइटर जेट्स इंपोर्ट किए। हालांकि चीन हमेशा दावा करता है कि वहां बने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं होता, पर एक्सपोर्टर्स ऐसा मानने से इनकार करते हैं। पर क्वालिटी के साथ समझौता करते हुए भी बहुत से देश चीन से वेपन्स इंपोर्ट करते हैं, और यही रीजन है कि चीन वर्ल्ड में फोर्थ सबसे बड़ा वेपन एंड आर्म्स एक्सपोर्टर है। इस लिस्ट में US फर्स्ट, रशिया सेकंड और फ्रांस थर्ड नंबर पर आता है। अभी कुछ समय पहले तक चीन करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर्स के आर्म्स पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा था, पर अब वो फिगर डिक्लाइन हो रहा है। और इन सब में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान को किया गया है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर म्यांमार है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चीन के वेपन्स की क्वालिटी इतनी खराब होने के बाद भी देश उससे इंपोर्ट क्यों करते हैं, तो रीजन ये है कि चीन से एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज के रिलेशन US और फ्रांस जैसी कंट्रीज से अच्छे नहीं है। इसके अलावा चीन इन कंट्रीज को कम प्राइस पर ये वेपन्स अवेलेबल करती है, और उनके लिए पेमेंट ऑप्शन भी काफी फ्लेक्सिबल रखती है, और यही रीजन है कि ये कंट्रीज चीन से इतनी मात्रा में वेपन्स इंपोर्ट करती है। आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।